हेलो एंड वेलकम टू एम्बाई अचीव एसएससी एंड रेलवे एग्जाम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, मेरा नाम है शेफाली राठौर और हम आज बात करेंगे एसएससी एनटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो अगर अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो यार जल्दी से एक बार ही शेयर कर दो, फिर हम अपने क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो आज हम जिस शिफ्ट का पेपर करने जा रहे हैं उसकी सारी जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी आपके सामने है और हम करने जा रहे हैं 7 अगस्त 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर। ओके, तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग सो दैट हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लें, क्वेश्चंस अटेंड कर लें जल्दी जल्दी। कम ऑन, ज्वाइन अस क्विकली। ओके, आप लोग एग्जाम्स जो है वो ऑलरेडी अराउंड द कॉर्नर है, सो दिस इज द राइट टाइम कि अगर आप जैसे सीजीएल प्रिपेयर कर रहे हो तो सीजीएल की थ्योरी के लिए आपके पास एक अच्छा टाइम है, और अगर आप अभी एमटीएस टारगेट कर रहे हो तो एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमटीएस के प्रैक्टिस जो है ना वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए, राइट? हेलो राजेश जी, हाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ओके, चलिए सो स्टार्ट करेंगे हम अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, जस्ट अ मिनट, ओके ओके, मैं वेट कर रही हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। आज ही डन, शुरू करें। जस्ट हम रेट, जस्ट हम रेट, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, मैं कंटिन्यू कर रही हूं उसको, जस्ट हम रेट।
Hello and welcome to Imbibe Achievers SSC and Railway Exam and very good evening to all. Hi everyone, मेरा नाम है शेफाली राठौर और हम आज बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट questions of MTS 7th August 2019 के Shift 1 के questions पर. I know ये class थोड़ा सा late हो गया है और चूंकि कुछ तो भी technical issues थे जिनके वजह से SH class जो है वो continue नहीं हो पा रही थी, तो sorry for delay. स्टार्ट करते हैं. एक बार अगर आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं जल्दी से तो प्लीज कनेक्ट हो जाइए सभी लोग. हाय राजेश जी अगेन. नहीं अभी आई गेस मैं हूं लाइव और आप लोगों को भी मेरा वॉइस वगैरह क्लियर है, तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए. आई नो कि काफी ज्यादा लेट हो गया है, सो आप लोग भी जा सकते हो. आज ही ओके. हाय राजेश जी. चलिए सो जल्दी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस को हम आज डील करने वाले हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है. कह रहा है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. यस, किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बताइएगा. आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए प्लीज. ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन का. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली उस पर तो एनलार्ज्ड इमेज जो है वो बेसिकली आपके बनेगी. ठीक है, एनलार्ज इमेज जैसे कि आपका जो भी मतलब इमेज है वो इमेज एक तो वर्चुअल होगी, इसमें वर्चुअल का ऑप्शन नहीं दिया था. देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को एक कॉनकेव मिरर पर रख रहे हो, तो कॉनकेव मिरर पर रखने पर इसकी जो मेन इमेज बनेगी वो इमेज आपके यहां पे वर्चुअल होगी. ठीक है, साथ ही साथ एक एनलार्ज्ड इमेज जो है वो बन करके आएगी. और प्लस वो इमेज कहां बनेगी, तो हमेशा वो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी. क्लियर है? सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. कह रहा है वेयर वॉज गुरु नानक देव बॉर्न. गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो कहां हुआ था. वेयर वॉज गुरु नानक देव जी बॉर्न, करिए आंसर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हेलो सैम, हाय, कैसे हैं आप. तलवंडी, ओके, सही है, करेक्ट आंसर देते हैं. एंड द राइट आंसर इज तलवंडी इज द राइट आंसर. सो गुरु नानक जी का जन्म जो है वो आपके 1469 में हुआ था. कहां पर? तलवंडी में जो है वो इनका जन्म बेसिकली हुआ था. बाद में तलवंडी को रीनेम कर दिया गया था, लिख लेना इसको, इसको रीनेम्ड कर दिया गया था ननकाना साहिब के नाम से. अगर अब आप इसको ढूंढते हो तो अब ये ननकाना साहिब के नाम से ही जाना जाता है. ठीक है, तो ननकाना साहिब के नाम से या कहिए तलवंडी में जो है वो इनका जन्म हुआ था. करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है Which of the following is not an Indian multinational company? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है. भारतीय जरूरी है यहां पे, इंटरनेशनल तो ठीक है, मतलब सॉरी मल्टीनेशनल तो ठीक ही है, लेकिन मेन जरूरी है कि वो इंडियन होनी चाहिए वो नेशनल कंपनी.
ठीक है, डी नहीं, आदित्य बिरला प्रॉपर भारत की है। हिंदुस्तान यूनिलिवर इज नॉट अ इंडियन कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलिवर जो है ये ब्रिटिश ओन्ड कंपनी है, नाम जरूर हिंदुस्तान है, ठीक है, ये ब्रिटिश ओन्ड कंपनी है बेसिकली। इसका हेडक्वार्टर हालांकि मुंबई में स्थित है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी भारत की नहीं है, क्लियर है? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास्ड इन इंडिया, करिएगा आंसर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये बेसिकली आपके कब पारित किया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2014, 11, 13, 12, 14, और सोच लीजिए। नहीं, करेक्ट आंसर देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट जो है ये आपके 2013, ठीक है, 2013 में बेसिकली आपके इसको पास किया गया था, या 2013 का ये बेसिकली एक्ट था। और इस एक्ट के दौरान 61% ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट किया गया था। इसमें ये बोला गया था कि भाई हर एक व्यक्ति जो है वो 5 kg ऑफ फूड, ग्रेन, अनाज पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन जो है वो आपके रखेगा, कुछ इस तरीके से इसमें चीजें लाई गई थी। और जो आपका अंत्योदय योजना थी, उस अंत्योदय योजना के तहत इसको फाइनलाइज मतलब टारगेट करने की जो है वो कोशिश करी गई थी, ठीक है। थैंक यू सार्थक, खुश रहिए, आ जाइए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हम्पी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, करिए आंसर। हम्पी डांस फेस्टिवल, ठीक है, वेरी गुड। हम्पी वैसे नाम से भी समझ सकते थे, हम्पी कर्नाटक ही में आता है ना, सो हम्पी डांस फेस्टिवल जो है ये आपके कर्नाटक ही में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एक तरीके का कल्चरल पूरा फेस्ट होता है, और ज्यादातर अक्टूबर नवंबर में ये पूरा फेस्ट जो है वो कराया जाता है। हालांकि इसको ज्यादा वरीयता तब मिली जब हम्पी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया, उसके बाद से ये ज्यादा वो चीज रही इसमें, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर एम्पायर के तहत ये ज्यादा बूम करे थे, या विजयनगर एम्पायर मेनली रूल करता था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है विच स्टेट इन इंडिया हैज मेड रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस इन स्टेट, करिएगा आंसर। महाराष्ट्र, नहीं, ठीक है, करेक्ट आंसर देते हैं, द राइट आंसर इज तमिलनाडु। अगर आपको नहीं पता हो तो तमिलनाडु ने करीब 2018 में इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि उनका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस वजह से तमिलनाडु में टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर था वो मैंडेटरी कर दिया गया था हर हाउस होल्ड वाले जो भी व्यक्ति थे उनके लिए, ठीक है। तो ये तमिलनाडु सरकार ने प्रॉपर कंप्लीट किया था, हालांकि इससे सरकार ने ये कहा था कि वो 50% तक ग्राउंड वाटर को जो है वो ये इंक्रीज कर लेंगे, मतलब उसका लेवल जो है वो 5 ईयर में आपके ये इंक्रीज कर देंगे अगर इस मॉडल पर हर एक घर चलता है तो, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पेटर्नल क्रोमोसोम रिजल्ट इन अ फीमेल,
देखो नॉर्मली मनुष्य में अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े। इनमें से आपके 22 पेयर जो ऑटोसोम होंगे और एक पेयर जो है वो आपका क्या रहता है, सेक्स क्रोमोसोम रहता है। इसमें दोनों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही, दोनों में जो है वो आपके टू सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में हमेशा एक्स वाई रहता है, और अगर फीमेल की बात करूं जो कि दोनों एक्टिव है, फीमेल की बात करूं तो ज्यादातर एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्टिव स्टेज में रहता है। आप मान लीजिए आपके अगर मेल और फीमेल में जो पेटर्नल वाला पार्ट है उसमें देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला बता दे रही हूँ, मेल फीमेल। ये हो सकता समझ में आए, हो सकता नहीं आए, तो नहीं आए तो परेशान नहीं होएगा, उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते। मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम के अगर स्पर्म काउंट देखा जाए तो एक होगा एक्स और एक होगा वाई। अवम में अगर सॉरी फीमेल में जो अवम है वो उसमें जो बनता है वो गैमीट आपके एक्स एक्स का बनता है, ठीक है। देन आफ्टर अगर आप क्रॉस सेक्शन में कराओगे तो आपके एक्स वाई ये कनेक्ट होगा, ठीक है, इसके 50% चांसेस होंगे। और यहां पर आपके जो है अगर हम लोग बात करें तो एक्स और एक्स ये वाला, तो एक्स एक्स के 50% चांसेस हो सकते हैं, यानी कि 50% चांसेस ऑफ मेल, 50% चांसेस ऑफ फीमेल इसमें रहेगा। सो अगर मैं करेक्ट आंसर बोलूं तो ज्यादा ये चीज जो डोमिनेटिंग है वो एक्स एक्स पर डोमिनेटिंग होती है, ठीक है। सो पेटर्नल वाला पार्ट जो है वो फीमेल पर डोमिनेटिंग रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है वो किसी को समझ में नहीं आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया एज ऑफ जून 2019। 2019 के हिसाब से बेसिकली आपके मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है वो इस समय 2019 में कौन है? ओके, राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। आज ही डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर करते हैं बेटा, 2019 में किरण रिजिजू जो थे ये बेसिकली आपके स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे थे। और अगर अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में है अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सुधांशु, ठीक है, ये वर्तमान में है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है तो, और वर्तमान में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादों में विकृत गंधता यानी कि बासीपन का मेन कारण बनता है? करेगा आंसर, गुड मॉर्निंग पूजा, हाय। डी आंसर आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। सो रेंसिडिटी का, या कहिए आपके ये जो बासीपन बेसिकली आता है, ये रेंसिडिटी का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से जो भी फूड है ना, जो भी भोजन है उसमें एक फंगल इंफेक्शन के वजह से एक रेंसिडिटी का स्मेल जो है वो बनने लगता है। तो वो फंगल इंफेक्शन इंफेक्शन जो ऐसा है कि भाई ऑयल और फैट आपके खाने में यानी कि फूड में जरूर होगा, ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन रिएक्ट होती है और उसके वजह से आपके रेंसिडिटी होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ दरअसल थोड़ा सा क्लास डिले हो गया था कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से, तो अभी 10 ही क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन मैं करा रही हूं अब, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द नॉवल द रूम ऑन द रूफ।
ठीक है, बी खुशवंत सिंह, ओके, और कोई आर के नारायण, ठीक है, बड़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज है ना। दोनों ही नहीं है। करेक्ट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर। ये जो बुक है द रूम ऑन द रूफ करके, ये बुक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और ये इनकी पहली लिटरेचर से रिलेटेड वेंचर था। फर्स्ट लिटरेचर जो है बुक बेसिकली इनकी ये रही थी। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। Which of the फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल, दीक्षा तुम भी आ गई, चलो सीएफसी सबसे सेफेस्ट चीज, सॉरी सबसे डेंजरस चीज। करेक्ट आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। इसको आप सिंपली सीएफसी भी कह सकते हो। जितना भी जो एसी है या जो भी आपके उस समय पर फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स वगैरह जो होते थे, उनसे आपके जो एक मेन गैस निकलती थी वो आपके सीएफसी थी, जो कि सबसे मुख्य कारण था ओजोन डिप्लीशन का। हालांकि अब इसको बैन कर दिया गया है। इसकी जगह, क्योंकि आपका एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबको याद होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली आपके सीएफसी के प्रोडक्शन के लिए ही आया था और इसको बैन कर दिया था, और अब इसकी जगह नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो आपके किया जा रहा है। अरे गलती हो गई यार, सेफेस्ट बोल के। चलो ओके, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अरुंधति रॉय इज द रेसिपियंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल अवार्ड। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आप लोगों ने सुना भी होगा, बुक थी। बताइए इनमें से किस एक पुरस्कार की विजेता रह चुकी हैं, रमन मैग्सेसे, पुलिंचर अवार्ड, नोबेल अवार्ड और नोबेल प्राइज, या फिर मैन बुकर प्राइज। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर देते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैन बुकर प्राइज इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैन बुकर प्राइज के लिए अरुंधति रॉय जो है वो मेनली आपके फेमस है, और इनका जो बुक थी लिटरेचर बुक थी बेसिकली द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो मिला था, और 1997 में हालांकि इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये, और भारत से है, शिलोंग से बिलोंग करती है, शिलोंग, ठीक है, शिलोंग से बिलोंग करती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है अमोइबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अमीबा जो है वो इनमें से किस एक किंगडम से बिलोंग करता है। मोनेरा, फंगी, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया, करिए आंसर। ठीक है, ओके, नहीं बेटा मोनेरा नहीं होगा, करेक्ट आंसर प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर। सो अमोइबा जो है, अमीबा जो होता है, ये बेसिकली प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हु इज नोन एज द हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन, हाँ, इन लोगों के भी किंगडम होते हैं और क्या, तभी तो पूरा एनिमल किंगडम वगैरह पढ़ते हैं अपन लोग। ओके, हरियाणा हरिकेन के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है। ठीक है, कपिल देव, वेरी गुड, सही है, करेक्ट आंसर देते हैं। द राइट आंसर इज कपिल देव इज द करेक्ट आंसर। इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इज एसोसिएटेड विथ Which of the following ancient culture? बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है?
इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइनीज या फिर हड़प्पा? मेसोपोटामियम, ओके ठीक है, करेक्ट आंसर देते हैं। द राइट आंसर इज मेसोपोटामियम, इज द राइट आंसर। सो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे बेसिकली आपकी ये एंशियंट कल्चर का जो हैंगिंग गार्डन है इसको हम लोग बिलोंग करते हैं, और इसको सेवन वंडर, इसी को एक टाइटल नेम भी दिया जाता है, यहां लिख लेना कभी आ जाए आपसे पूछ ले, सेवन वंडर ऑफ एंशियंट टाइम बताइए, सेवन वंडर ऑफ एंशियंट टाइम या एंशियंट वर्ल्ड, ठीक है, इस नाम से भी हालांकि आपके जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का हैंगिंग गार्डन पूछ ले आपसे, तो इंडियाज हैंगिंग गार्डन बता दो जरा, अगर पता है तो, इंडियाज हैंगिंग गार्डन किसी को भी बताओ, हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग लेक, गार्डन ही बोल दो यार, गार्डन ज्यादा सही है। अरे हड़प्पा, हड़प्पा क्यों बोल रहे हो? सो लोकटक लेक पता है सबको? नहीं, लोकटक लेक इसको बोलते हैं हैंगिंग गार्डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच डायनेस्टी हैड डेवलप्ड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत में किस राजवंश ने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किया था? वेरी गुड दीक्षा, हाँ लोकटक मणिपुर में स्थित है, करिएगा आंसर, कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी नहीं बेटा, कुषाण डायनेस्टी इज द राइट आंसर। कुषाणों ने गंधार कला शैली का यूज किया था और इससे रिलेटेड एक स्कूल भी जो है वो उन्होंने खोला था, सो करेक्ट आंसर कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स इज प्रेजेंट ऑन द 2000 रुपी नोट ऑफ इंडियन करेंसी? 2000 के नोट पर क्या बना होता है पिंक कलर का, बढ़िया मजेंटा कलर का, नॉट पिंक, पिंक एंड पर्पलिश कलर का नोट है, बताइए क्या बना होता है? इसकी लिस्ट मैं तुम लोगों को एक बार दी है ना, यही एमटीएस में शायद मैंने एक आध बार बताई थी लिस्ट कि कौन से नोट पर क्या होता है। मंगलयान, वेरी गुड, सही है सही है। तो भैया 2000 का जो नोट है उस 2000 के नोट पे आपको क्या मिलेगा? मंगलयान बेसिकली आपको 2000 के नोट पर मिलेगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे जरा ऑप्शन भी बता दो, खोलना ओके, मुझे एक बार ऑप्शन बता दो आप, सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पे मिलेगा? जल्दी बताओ सांची स्तूप 2000 में से एक जीरो कम कर दो बस, उत्ते के नोट पे मिलेगा, मतलब 200, ठीक है। सूर्य मंदिर किस नोट पे मिलेगा? सन टेम्पल 10 रुपए, 10 पे मिलेगा सन टेम्पल। हम्पी, हम्पी कितने पे मिलेगा? 50, 50 पे मिलेगा हम्पी, ठीक है, ये याद रखो भाई, ये देख रहे हो एमटीएस में दूसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, Who was appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution? ठीक है सुधांशु, ओके। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संविधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है,
करिए आंसर। संविधानिक सलाहकार, ठीक है करेक्ट आंसर करते हैं, द राइट आंसर इज बी एन राव। ठीक है, बी एन राव के उस पर बेसिकली बी एन राव जो थे इनको संविधानिक सलाहकार बनाया गया था, ये अपने ड्राफ्ट कमिटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, ड्राफ्ट कमिटी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द जीआई टैग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनमें से जीआई टैग में बेसिकली कौन सा एक पेयर जो है वो बिल्कुल सही है, चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र, अर्नामुला कनाडी कर्नाटका, ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, देन आफ्टर कानी शॉल गुजरात। करिएगा आंसर, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जीआई टैग सही है। करिए आंसर, दिख रहे हैं ना सारे ऑप्शन। ठीक है, ए ए सही है बोल रहे हो तुम लोग। ठीक है, और कोई नहीं, देखो करेक्ट आंसर देते हैं, चंदेरी साड़ियों का जो जीआई टैग है ना वो महाराष्ट्र नहीं एमपी के पास है, एमपी में चंदेरी एक जगह है, वहां पे चंदेरी साड़ी होती है बेसिकली, तो जीआई टैग चंदेरी को है और चंदेरी एमपी में। ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया लेदर ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, ये आपका जो वो है बेसिकली ये जो पेयर है ये पेयर आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि वहां पर आपके एमपी आना चाहिए था या कहीं मध्य प्रदेश आना चाहिए था। देन आफ्टर ईरान मोला कनाडी ये जो जीआई टैग है ये जीआई टैग बेसिकली आपके जो ये है केरला उसको मिला है। ठीक है, ये केरला का जीआई टैग प्रोडक्ट है तो इसलिए ये आपको ये ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो गया। देन आफ्टर आपका कनी शॉल लिखा है गुजरात का जीआई प्रोडक्ट है लेकिन ये गुजरात का नहीं, ये जम्मू कश्मीर का जीआई टैग प्रोडक्ट है। ठीक है, सो जो गलत है उनको नोट कर लो और जो सही है आप उसको लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, सबका गलत हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। सी आर है करेक्ट आंसर देते हैं, द राइट आंसर आर्टिकल 51A इज द राइट आंसर। मैंने पहले भी बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या इस कमिटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो आपके आर्टिकल 51A या कहिए पार्ट 4A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हमने एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी। सो वर्तमान में अपने पास 11 मौलिक कर्तव्य या 11 मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर है? ओके, सो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। 31C ये आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आर्टिकल 21A एजुकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लैंग्वेज कास्ट कलर जेंडर एक्सेट्रा से रिलेटेड है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेरी नाइस राजेश जी, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल हॉकी टीम 2019। करिए आंसर,
अच्छा ओके हाँ सॉरी 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 दीक्षा यस ओके करेक्ट आंसर करते हैं। द राइट आंसर इज मनप्रीत सिंह। अब मैं ये बोलूंगी कि इसमें आप क्या प्रेजेंट का जो भी हो उसको देख लेना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक सिचुएटेड। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। कोई बात नहीं सही है करेक्ट आंसर देते हैं। द राइट आंसर इज इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में नहीं है बल्कि कोलकाता में बेसिकली आपका इसका हेडक्वार्टर जो है वो रहेगा। इलाहाबाद बैंक को किस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो याद रखना अप्रैल 2020 में इसको मर्ज कर दिया था इंडियन बैंक के साथ। ठीक है करेक्ट आंसर डी है। हाँ ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन मिले ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था। सार्थक क्वाइट गुड वेरी नाइस करिए आंसर। ठीक है डी आंसर आ रहा है। डी यानी कि हो गया रामकृष्ण परमहंस जी। सही है। सो रामकृष्ण परमहंस जी के जो आश्रम था उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने काफी टाइम तक काम किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द नेशनल एंथम एडॉप्ट इन इट्स हिंदी वर्जन। राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1948 को, 15 अगस्त 1947 को। अच्छा ओके 24 जनवरी 1950 को ठीक है करेक्ट आंसर करते हैं। द राइट आंसर इज 24 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग भी हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सॉरी नॉट कांग्रेस का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और इसी दिन पर इन्होंने राष्ट्रगान को जो है वो एडॉप्ट किया था। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड इन। गुरु घासीदास नेशनल पार्क बेसिकली कहां स्थित है। ठीक है छत्तीस ओके ठीक है। वाह दीक्षा इतनी क्रिएटिविटी मतलब अरे रे एकदम खुश हो गए हम। चलो करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में बेसिकली आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली लोकेटेड है। चलिए सो हियर वी कंप्लीट दिस क्लास। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास है आपकी 6:30 यानी कि 6:30 बजे नेक्स्ट क्लास होगी। किस चीज की। जनरल साइंस की। ठीक है जनरल साइंस की अपनी नेक्स्ट क्लास है 6:30 बजे। सो प्लीज टाइम पर आना जल्दी ज्वाइन कर लेना ताकि सभी लोग ज्वाइन कर पाए। ओके और अभिनव सर की क्लास भी स्टार्ट हो गई होगी तो आप लोग रीजनिंग की क्लास भी जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एंड प्लीज एप्लीकेशन अब डाउनलोड कर ले क्योंकि हम बहुत जल्दी लाइव हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए प्रिपरेशन करते रहिए। कीप एम्बाइबिंग वी बिलीव इन यू।